परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारतीय एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का। जय जिनेंद्र, हम लोग धर्म स्थल में हैं और यहाँ पर भगवान बाहुबली का बहुत ही उत्तम प्रतिमा है। उसके साथ में ही पहाड़ के नीचे एक छोटी सी दूसरी पहाड़ी है पास में, वहाँ पर चंद्रनाथ स्वामी का, चंद्रप्रभु भगवान का बहुत ही सुंदर भव्य मंदिर है, भव्य जिनालय है, जहाँ पर आचार्य भगवान श्री वर्धमान सागर जी महाराज ससंग विराजमान है। आज दिनांक 3 फरवरी 2019 को हम लोग उनके दर्शन लाभ के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। इस छोटी सी पहाड़ी पर जाने के लिए थोड़ी सी सीढ़ियाँ हैं, उनको चढ़कर ऊपर की तरफ जाते हैं और वहाँ पर चंद्रप्रभु भगवान का अत्यंत उत्तम मंदिर है, उसके आपको दर्शन करवाते हैं। यहाँ से जाने का दो रास्ते हैं, नमस्ते महाराज, ऊपर इधर से जाएंगे मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे हैं। और सरमे महाराज यहाँ पर विराजमान हैं, माताजी लोग भी यहाँ पर साध्या कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर मंदिर, यहाँ पर भगवान का बहुत बड़ा प्रांगण, नाले की दर्शन करवाते हैं आपको। चंद्रप्रभु भगवान का मंदिर गर्भगृह के बाहर लोग दर्शन के लिए आए हैं। धर्म स्थल जाने का जो पहाड़ का रास्ता है, आप लोग देखिए कितना सुंदर यहाँ पर हाथी से पूरी सीढ़ियों को सजाया गया है और बहुत ही सुंदर भव्य आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। आने वाले समय में और भी सुंदर सुंदर यहाँ पर दृश्य आपको देखने को मिलेंगे। पूरे के पूरे रास्ते पर यहाँ पर बहुत सारे हाथी लगाए गए हैं, बहुत भव्य आयोजन होने वाला है। देखिए कितने सुंदर यहाँ पर हाथी हैं और ये सीढ़ियों के माध्यम से रास्ता नीचे जा रहा है। जय जिनेंद्र। ये महायशोमती माता जी हैं, अंदर बहुत सारे महाराज बाहर चल रहा है।
चंद्रनाथ स्वामी का मंदिर बहुत ही सुंदर मंदिर है। हम आपको मंदिर के द्वार खुल चुके हैं, अंदर से भगवान के दर्शन कराते हैं। बहुत ही सुंदर जिनाले, बहुत ही प्राचीन प्रतिमा है भगवान की। ये बोली चंदा बोली भगवान की जय। जय जिनेंद्र। आज 3 फरवरी 2019 को हम लोग कर्नाटक राज्य में धर्म स्थल बाहुबली भगवान के क्षेत्र पर पहुंच चुके हैं। यहां पर अब से कुछ ही दिनों में बहुत ही बड़ा महामस्तकाभिषेक का प्रोग्राम होने वाला है और उसके साक्षी बनने के लिए उसकी तैयारियों से पहले यहां पर बहुत सारे मुनि महाराज आना शुरू हो गए हैं। कल काफी सारे मुनि महाराजों का यहाँ पर मंगल प्रवेश हुआ, जिनमें आप देख सकते हैं बहुत सारे महाराज यहाँ पर अभी पहाड़ की दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। भव्य प्रतिमा बाहुबली भगवान की यहाँ पर 10 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक काफी सारे प्रोग्राम होने वाले हैं और बहुत सुंदर यहाँ पर व्यवस्था की गई है। प्रति 12 वर्ष में होने वाले इस महाअभिषेक में और पंच कल्याणक में साक्षी बनने के लिए इस बार आप सभी आमंत्रित हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों तरफ बहुत सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, पूरा फ्रेम बनाया जा रहा है, जिससे लाखों लोगों के श्रद्धालु जो इन 8 दिन में आने वाले हैं उनको किसी भी तरह की कोई भी असुविधा नहीं हो। यहाँ पर 2 लिफ्टें भी लगाई गई हैं और पहाड़ पर आने के लिए सीढ़ियों से भी रास्ता है और साथ में नीचे से गाड़ियों से भी आ जा सकता है। बहुत ही सुंदर बाहुबली भगवान, आज आपको रविवार के दिन उनके दर्शन हो रहे हैं। धर्मस्थल बाहुबली भगवान 39 फीट ऊंची प्रतिमा है। श्रवण बेलगोला की 57 फीट की प्रतिमा यहाँ पर 39 फीट की बहुत ही सुंदर प्रतिमा। यहाँ के पूरे इतिहास के बारे में और भरत बाहुबली के युद्ध इत्यादि का वर्णन 5 दिन के महामस्तकाभिषेक में इससे पहले आपको कराया जाएगा। बहुत ही भव्य आयोजन किया जा रहा है। रहने के लिए बहुत सारी यहाँ पर धर्मशालाएं, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे कमरे, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये क्षेत्र मंगलोर क्षेत्र से मंगलुरु के पास में है और वहाँ से यहाँ आने के लिए ट्रेन एवं बस के द्वारा आया जा सकता है। मंजूनाथ स्वामी का मंदिर पहाड़ से ठीक नीचे, जो कर्नाटक राज्य में बहुत ही प्रसिद्ध एक दर्शनीय और धर्म स्थल है, जहाँ पर लाखों लोग प्रतिवर्ष अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आया करते हैं। इसी क्षेत्र पर रत्नगिरी बाहुबली भगवान का एक बहुत सुंदर मंदिर है और यहाँ पर 10-15 मिनट में ऊपर पहाड़ पर आया जा सकता है, सीढ़ियों के माध्यम से और कार के माध्यम से भी आया जा सकता है। आप देख रहे हैं ऊपर एक मान स्तंभ भी है ब्रह्मदेव का, यहाँ पर दक्षिण भारत में परंपरा के अनुसार इसी प्रकार से बनाया जाता है। रक्षक देवता होते हैं किसी भी जिन मंदिर के। बहुत सारे श्रद्धालु जन यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं। धीरे धीरे काफी सारे लोग अगले 10 दिनों में यहाँ पर दर्शन के लिए आने वाले हैं। वर्धमान सागर महाराज सत्संग यहाँ पर विराजमान है, इसके साथ में पुष्पदन सागर महाराज भी काफी सारे अपने के साथ में यहाँ पर आए हुए हैं। बहुत सारी उत्तम व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है, जिससे कि जब बहुत अपार जन समूह आए तो उनको किसी प्रकार की कोई भी असुविधा का सामना न करना पड़े। आप सभी भी सादर आमंत्रित हैं इस महा महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए, पुण्य अर्जन करने के लिए, कर्मों की निर्जरा करने के लिए और भगवान बाहुबली के दर्शन कर उनके जैसे गुणों की प्राप्ति हेतु
आप सभी यहाँ पर अवश्य आइए। सभी को जय जिनेश।